मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को पत्र भेजकर ईडी के अधिकारियों को 20 जनवरी को अपने सरकारी आवास पर बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है। वह दोपहर 12 बजे ईडी की टीम से मिलेंगे। ईडी के पत्र सह 8वें समन का जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय का एक कर्मचारी सोमवार दोपहर करीब 2 बजे मुख्यमंत्री का पत्र लेकर ईडी कार्यालय पहुंचा था। ईडी ने 13 जनवरी को हेमंत सोरेन को पत्र भेजा था, साथ ही पीएमएलए की धारा 50 के तहत इसे 8वां समन मानने को कहा था। पत्र के माध्यम से ईडी ने हेमंत सोरेन को अपना बयान दर्ज कराने के लिए 5 दिनों का समय दिया था। पूछताछ के लिए जगह और समय बताने के लिए उन्हें 2 दिनों का समय मिला था। यह भी कहा था कि अगर वह पूछताछ के लिए निर्धारित समय सीमा पर नहीं तैयार होते हैं तो ईडी समन का अनुपालन कराएगी। इसके तहत ईडी की टीम पूछताछ के लिए खुद ही सीएम के पास पहुंचेगी। ऐसी स्थिति में विधि व्यवस्था बनाए रखना भी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, इसलिए वह ऐसी स्थिति में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए खुद ही मुख्य सचिव और डीजीपी को आदेश दे। आपको बताते चले कि बड़गाई अंचल के राजस्व कर्मचारी के खिलाफ थाना में दर्ज प्राथमिकी को ईडी ने ECIR के रूप में दर्ज किया था। इसके बाद जमीन मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने हेमंत सोरेन को पहला समन देकर 14 अगस्त 2023 को पूछताछ के लिए राजस्व क्षेत्रीय कार्यालय बुलाया था, लेकिन हेमंत सोरेन पहले समन से ही ईडी के पत्र को राजनीति और दुर्भावना से ग्रसित होकर समन भेजने का आरोप लगाते आ रहे हैं। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।